Good morning, guys, and welcome to yet another episode of Chasing Dreams, where you and I chase our dreams together. आज मैं उठा 6:30 बजे सुबह सुबह एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 7:30 o'clock. इट टुक लेजिट 1 hour टू गेट ऑन टू माई स्टडीज. यस, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई को. लेट मी शेयर माई टारगेट्स विथ यू ऑल. तो आज एंड कल, दैट इज टूडे एंड टुमारो, आई नीड टू फिनिश माई DT टू इट्स एंटायरिटी. I mean, it's almost over, just that 12 lectures are still remaining and I have been procrastinating this 12 lectures for a really long time. So I thought, time kabhi milne wala hai nahi iske liye, so let me just sit down and complete this subject to its entirety so that I don't always have to think about this in the back of my mind. So chalo, isko start karte hai. Actually, main isko finish nahi kar paya. Reason being, number one, I was bored with DT. And reason number two, I have forgotten quite a lot of sections of the 5 heads. That's why वो टैक्स कंपटीशन वाला चैप्टर आ गया एंड आई वाज नॉट एबल टू टैकल दो सम्स. तो मुझे बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड फील हुआ. सो आई टेंड टू स्किप दिस सब्जेक्ट एंड मूव ऑन टू अदर्स. द थिंग दैट आई हेट द मोस्ट व्हाइल स्टडीइंग व्हेन दिस शिट हैपेंस, पढ़ते पढ़ते आपका जब पेन का रिफिल खत्म हो जाए एंड यू आर इनटू द फ्लो ऑफ स्टडीज एंड दिस शिट हैपेंस, दैट जस्ट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. एक लेक्चर डाउन हो गया है. मतलब यार 2.5 घंटे का लेक्चर, लेट इट टुक मी 3 hours टू फिनिश इट. आई नीड टू इंक्रीज माई स्पीड, बट मैं 1.8x में देख रहा था, बट स्टिल बहुत टाइम लग गया. अब मेरे को बहुत स्पीड करना पड़ेगा. नाउ आई एम लेफ्ट विथ मोर 1/2 hour. मेरे को इसी में जाकर के नाश्ता करना है, प्लस नहाना भी है. सो लेट्स गो. ऑल्सो वेदर अपडेट, क्लाउड्स काफी सही हो गए हैं एंड आई डोंट नो, किसी ने मेरा ये एस्थेटिक पेड़ को काट दिया जो मेरे वीडियोस में 4 चांद लगाता था. बट 4 चांद लगाने के लिए अब कौन है, गेस करो. मी. डन विथ एवरीथिंग. एग्जैक्टली 9 मिनट्स लेट हो गया मेरा, बट ओहू फाइनली. हाय बेबी. तुमको पप्पी शप्पी चाहिए. शी इज जस्ट 2 months ओल्ड एंड अभी मैं उसको बंद रखता हूँ, फिर मैं 12 बजे खोल देता हूँ दिन को. फिर ये दिन भर घूमते रहती है, जब सब काम हो जाता है बेसिकली घर का, तब ये दिन भर घूमते रहती है. शी इज नॉट इन द मूड ऑफ कडल्स राइट नाउ. सो सॉरी सॉरी सॉरी. जाओ जाओ. शी जस्ट वोक अप फ्रॉम अ नैप गाइस, दैट्स व्हाई ये बहुत आलसी है.
वरना ये ऐसा खेलती है कि सबको हिला देती है। हेलो फाइनली डन विद अनदर लेक्चर एज वेल। 1:30 हो गया है, दिस शुड बी डन अप टिल 1 बजे तक का हो जाना चाहिए था, बट स्नोई थोड़ा परेशान करने लग गई थी तो उसको अभी बार देखना पड़ा, उसको खाना भी देना पड़ा, बट नॉनदलेस वी आर गोइंग गुड। 1:30 तक का 2 लेक्चर खत्म हो चुका है, आई एम हैप्पी एंड ऑलमोस्ट मेरा TDS खत्म होने वाला है, बस फॉर्मेलिटीज बचा हुआ है एंड फिर TCS बचा हुआ है, देन वी विल बी डन विद TDS इंटायरली। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा टैक्स कंपटीशन, उसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस। जब मैं TDS पढ़ रहा हूँ आई वॉज फीलिंग लाइक भाई इतना सारा रेट्स, इतना सारा पेमेंट का टाइम कैसे याद रह पाएगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन DT। मेरे को सब वो थोड़ा 5 हेड्स थोड़ा ठीक लगता है एंड डिडक्शन चैप्टर ठीक लगता है, उसके बाद जो भी उल्लू फुल्लू चैप्टर है सब फुद्दू लगता है मेरे को, एकदम बकवास लगता है। एंड TDS इट्स नॉट टफ, ईजी है, समझ में आ रहा है, रेट्स भी थोड़ा थोड़ा याद रह रहा है, जस्ट दैट इतना ज्यादा डेटा है उसको कंज्यूम करना जस्ट इन वन ब्रेन इट्स इम्पॉसिबल, तो प्लीज सेंड मी योर ब्रेन एज वेल। ब्रदर व्हाट्स दैट, राइट 2:50 हो गया है, ब्रेक काफी ज्यादा लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का, बट नॉनदलेस आई थिंक वी आर गोइंग गुड एंड ऐसा ही पेस रहा तो वी कैन अचीव एटलीस्ट 5 लेक्चर्स टुडे। या अब स्टार्ट करते हैं अपन 3rd लेक्चर एंड थैंक गॉड आज ये रूम बहुत सही है तो मैं ऊपर पढ़ ले रहा हूँ, आई डोंट हैव माई पर्सनल रूम, मैं कभी ऊपर पढ़ता हूँ, बेसिकली ये ऑफिस है जहाँ पर सब रॉ मटेरियल्स रहता है तो मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। इफ यू गाइस सी बिहाइंड द कैमरा यू विल सी द मेस अराउंड द रूम, तो या दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू गाइस सी कि ये साफ सुथरा रहता है बिकॉज आई कीप इट क्लीन, और वरना आसपास तो मेरा छोड़ ही दो। एंड मैं नीचे पढ़ता हूँ मम्मी के रूम पे, बट मम्मी के रूम पे पढ़ना उतना कुछ खास लगता है क्योंकि यार मम्मी रहती है, कोई आना जाना करता रहता है तो बहुत डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। आई मीन लाइक यू कैन स्टडी ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बट वो फोकस नहीं मिल पाता है मेरे से। मैं इतना बकवास क्यों करता हूँ कैमरे में, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपना। गुड मॉर्निंग, अनदर डे, आई एम अगेन स्टार्टेड विथ टैक्स कंप्यूटेशन चैप्टर। मैं कल रात को सोने से पहले और 3 लेक्चर देख लिया था क्योंकि शाम तक का मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर हो पाया था एंड मेरी फट गई भाई, मैं बोला अगर नहीं हो पाया मैं गया काम से तो मैं वीडियो सब छोड़ छाड़ के अपना लग गया पढ़ने के लिए। आई हैव मोर 6 लेक्चर्स लेफ्ट एंड आज जुम्मा है, मतलब फ्राइडे है, सो आई नीड टू गेट गोइंग। एंड अभी सर पढ़ा रहे टैक्स कंप्यूटेशन चैप्टर, भाई ये तो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन 5 हेड्स क्वाइट अ लॉट, मेरे को बस डिडक्शन चैप्टर याद है तो हम वही कर पा रहे हैं अच्छे से,
सैलरी थोड़ा बहुत याद है, IFS और HP तो पूरा तेल लेने जा चुका है। या दैट्स द अपडेट। आई एम फीलिंग फक्ड अप, आई फील लाइक मैं क्या क्यों पढ़ रहा हूँ ये चैप्टर, बट नंदलेस सर ऐसे स्क्रिबल्स करा रहे हैं, मैं उसको कर ले रहा हूँ ताकि बाद में हम जब रिवाइज करने जाए तो सब कुछ मेरे पास रहे। यार मेरा बच्चे में खाली यही खाता रहा हूँ। भाइयों बहनों, नॉट गोना लाई, मेरे को लग रहा है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ लिजिट। मेरे को लग रहा है मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं सर, बस लिख रहे मैं यहाँ पर लिख के अपने ड्राइंग को फिनिश कर रहा हूँ। इट जस्ट फील्स लाइक इट्स सो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऊपर। आई वोक अप एट 6:30, मैंने DT का एक लेक्चर किया और भाई मैं जब जब DT खोल रहा हूँ तब तब मेरे को एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, लाइक एक तमाचा पड़ रहा Shut the fuck up. है मेरे फेस पे कि भाई तू कहाँ है, तू कहाँ पर स्टैंड कर रहा है DT पे। मतलब मेरे को यार 5 मिनट याद ही नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं हंसू या मैं रोऊं। मतलब यार देखो, बहुत टाइम पहले मैं किया था, इट्स ऑब्वियस कि मेरे को याद रहने वाला है नहीं मेरे इस बुद्धू दिमाग को। तो यार बस मैं जब जब खोल रहा हूँ तब तो मुझे हर चीज़ नया लग रहा है और मुझे लग रहा है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ हर बार एक नया नए, मतलब कि सर ना एक्चुअली कराते हैं स्क्रिबल्स क्वेश्चंस के आगे। मेरे को लग रहा है मैं बस ड्राइंग करे जा रहा हूँ, लाइक जहाँ पर डिडक्शन आ रहा है मेरे को याद आ जा रहा है क्योंकि मैं रिसेंट में किया था उसको, और जब जब 5 मिनट्स आ रहा तब तो मुझे उतना कुछ खास याद आ नहीं रहा है। आई थिंक मैंने बहुत टाइम दे दिया DT को और इससे ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं सकता। आई हैव मोर 5 लेक्चर्स टू डू, लाइक और 5 लेक्चर था, कहाँ 12 लेक्चर का टारगेट था 2 दिन में और कहाँ मैं टपक गया हूँ। बट या आई हैव मोर 5 लेक्चर्स टू डू। अभी मैं आ करके बैठ करके और DT नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि सब मेरे दिमाग के परे जा रहा है। आई एम टू स्टार्ट SM नाउ, लाइक मैं SM को काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा, लाइक इट्स बीन 3 डेज आई हैवंट स्टडीड SM। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। और एनीथिंग और एनी सब्जेक्ट लाइक दैट, सिर्फ DT में पढ़ रहा था बट अब मैं SM को स्टार्ट करूंगा अभी। बट बिफोर दैट आई एम गोना हैव माय, क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलेंगे, लाइक जो भी खाने का, आई हैव सम चिकन टिक्की विद सम ब्रेड, क्योंकि यार कल रात को मैंने खाना नहीं खाया था एंड गेस व्हाट व्हाई, जस्ट बिकॉज आई वाज fucking irritated with DT, and that's what I do. If I feel very irritated, I skip my meals, and that's a very bad thing to do. But who cares? चलो शांति से पढ़ाई करते हैं। Learn how to build successful companies. Many of them started their careers atop banks, consultancies, private equity firms, tech businesses, and global corporates. Although there are people from the military and a range of past occupations. Yes, with being the CFO of a business that recently raised $65 million in growth financing.